हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो लेसन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ माउथ ऑर्गन के बारे में। अक्सर मुझसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कोई भी गाना विदाउट सीइंग द नोटेशन कैसे बजाया जा सकता है माउथ ऑर्गन पे, जस्ट बाय लिसनिंग टू द सॉन्ग कैसे माउथ ऑर्गन पे गाने को बजाया जा सकता है, यानी कि प्लेइंग बाय ईयर, बस एक बार कान से सुन के गाने को बजाना ये कैसे पॉसिबल है। तो उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, कैसे आप विदाउट सीइंग द नोटेशन, विदाउट लुकिंग एट नोटेशन, बिना नोटेशन देखे जस्ट गाने को सुन के आप कैसे बजा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप फॉलो करेंगे बाद में तो आप विदाउट एनी नोटेशन आप गाने को बजा सकते हैं जस्ट बाई लिसनिंग द सॉन्ग, सिर्फ गाने को सुन के। तो मैं एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ लीजिए, आप कंप्यूटर के पास फर्स्ट टाइम बैठे हैं, कंप्यूटर का कीबोर्ड आपके पास है, सामने है, और आपको एक सेंटेंस टाइप करना है जस्ट बाय लिसनिंग टू द सेंटेंस। कोई आपको डिक्टेशन दे रहा है और आपको टाइप करना है सेंटेंस बस सुन के। ठीक है, आपको देखना नहीं है, आपको कंप्यूटर जो कीबोर्ड है विदाउट लुकिंग एट इट, आपको विदाउट देखे आपको टाइप करना है जो बोला जा रहा है। समझ लीजिए, आपको टाइप करना है आई वॉन्ट टू प्ले माउथ ऑर्गन, ये आपको टाइप करना है बस सुन के। ठीक है, और आप पहली बार कंप्यूटर बोर्ड के सामने बैठे हैं, आपको कीबोर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये सेंटेंस आपको टाइप करना है। आप बिना देखे टाइप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में क्या है, पहले शुरू करना होगा आई वॉन्ट टू लर्न माउथ ऑर्गन, पहले आपको आई दबाना पड़ेगा। अब आई कहाँ पे है कंप्यूटर कीबोर्ड में, आपको कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो बिना देखे समझ लीजिए आप समझ नहीं पाएंगे कि आपकी उंगली कहाँ जानी चाहिए, कहाँ पे दबाना है, आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वॉन्ट डब्ल्यू ए एन टी, डब्ल्यू कहाँ है आपको जानकारी नहीं है, ए कहाँ है आपको जानकारी नहीं है। कहने का मतलब कि कीबोर्ड में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपको इसकी पोजीशन की जानकारी नहीं है, तो विदाउट नोइंग द पोजीशन ऑफ द लेटर्स इन द कीबोर्ड आप कैसे टाइप करेंगे बिना देखे। ठीक है, आपकी उंगली कहाँ जानी चाहिए आपके ब्रेन को मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, तो बिना देखे आप कभी नहीं टाइप कर पाएंगे। आप कैसे टाइप कर पाएंगे, आप कीबोर्ड की तरफ जब देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे वाई है, तो आप देख देख कर अब आप टाइप कर पाएंगे। जैसे आई वॉन्ट टू लर्न माउथ ऑर्गन, आप देखेंगे आई कहाँ है, आप उसे दबाएंगे आई। वॉन्ट डब्ल्यू ए एन टी, आप डब्ल्यू दबाएंगे, फिर देखेंगे ए कहाँ है, ए दबाएंगे, एन दबाएंगे, टी दबाएंगे, वॉन्ट टू टी ओ टू लर्न, आप देख के इस तरह से आप धीरे धीरे सेंटेंस को टाइप कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आप सुन के नहीं टाइप कर पा रहे हैं लेकिन आप देख के टाइप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कब आप बिना देखे कंप्यूटर कीबोर्ड की तरफ आप बस सुन के टाइप कर पाएंगे, कब? जब आपको पूरी कीबोर्ड की जानकारी हो जाएगी। कीबोर्ड की जानकारी मतलब कहाँ पे कौन सा लेटर है, कंप्यूटर कीबोर्ड में लेटर्स के जो पोजीशन है, अल्फ़ाबेट्स के जो पोजीशन है, अक्षर के जो पोजीशन है कहाँ कहाँ पे हैं, यह जब आपको जानकारी हो जाएगी, आपके दिमाग में रिकॉर्डेड हो जाएगा कि एक यहाँ है, डी यहाँ है, सी यहाँ है, एफ यहाँ है, तब आप बिना देखे कीबोर्ड की तरफ जस्ट डिक्टेशन को सुन के आप टाइप कर पाएंगे। आपकी उंगलियाँ अपने आप उधर चली जाएगी, जैसे आई वॉन्ट टू लर्न माउथ ऑर्गन, आपके ब्रेन में ये रिकॉर्ड हो गया है पोजिशन कहाँ पे है, ए कहाँ है, आई कहाँ है, वॉन्ट डब्ल्यू ए कहाँ है, सॉरी डब्ल्यू कहाँ है, ए कहाँ है, एन कहाँ है, टी कहाँ है, तो अपने आप देखिए इस तरह से बिना देखे डब्ल्यू ए एन टी लर्न एल ई ए आर एन माउथ ऑर्गन एम ओ यू टी एच ओ आर जी एन आप टाइप कर लेंगे। ठीक है, तो ये कब होगा, जब आपको ये जानकारी होगी। कब जानकारी होगी आपको लेटर्स के पोजिशन की कीबोर्ड पे, जब आप कुछ लेसन्स करेंगे, जब आपको याद होगा जब कोई टाइपराइटर, पहले तो टाइपराइटर होता था, तो जब टाइपिंग कोई प्रैक्टिस करता था या सीखने जाता था तो उसे लेसन दिया जाता था। ठीक है, ए डी जी बी जी ए डी बी इस तरह का लेसन होता था, वो रेगुलर उसे एक महीना प्रैक्टिस करना पड़ता था, प्रैक्टिस करते करते उसे पूरी जानकारी हो जाती थी। ठीक है, एक सेंटेंस भी दिया जाता था, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग, इस सेंटेंस में ए से लेकर जेड हर एक अक्षर शामिल है, तो ये सेंटेंस टाइप करने से क्या होता था, 20 कंप्लीट जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक 26 जो अल्फ़ाबेट्स हैं सब की जानकारी हो जाती थी और सबका प्रैक्टिस हो जाता था। ठीक है, तो इस तरह के लेसन दिए जाते थे। तो अब उसी तरह से आप माउथ ऑर्गन के बारे में सोचिए। ठीक है, माउथ ऑर्गन के जो होल्स होते हैं ये सब एक एक लेटर्स हैं इसमें। ठीक है, जैसे ए बी सी डी, जैसे आप कंप्यूटर के कीबोर्ड है
यहाँ भी समझ लीजिए लेटर्स हैं। क्या लेटर्स हैं? सा रे ग म प ध नि सा। अगर वेस्टर्न नोटेशन में सी डी ई एफ जी ए सी, और ये स्लाइडर से क्या होता है, शार्प नोट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, यानी सी शार्प डी शार्प ये सब भी आ जाते हैं, यानी कि रे कोमल ये सब भी आते हैं। तो अब पहली बार जब आप माउथ ऑर्गन पकड़ रहे हैं हाथ में, आपको कोई जानकारी नहीं है होल्स के बारे में, जिस तरह आपको कंप्यूटर कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट्स के पोजीशन के बारे में जानकारी नहीं थी, वैसे ही आपको यहाँ पे होल्स के पोजीशन के बारे में कोई जानकारी नहीं, कहाँ सा है, कहाँ रे है, कहाँ ग है, कोई आपको जानकारी नहीं है, ठीक है। तो अब आपको अगर कोई गाना सुन के अगर बजाना है तो आप बजा पाएंगे? कभी नहीं बजा पाएंगे, क्योंकि आपको कोई जानकारी नहीं है कहाँ पे सा निकलेगा, कहाँ पे रे निकलेगा, कहाँ पे ग निकलेगा, ठीक है। तो कोई भी गाना बजाना होगा तो आपको पहले जानकारी हो जानी चाहिए कि कहाँ पे सा कहाँ है, रे कहाँ है, ग कहाँ है, इसकी जानकारी हो जाएगी, हो जानी चाहिए, ठीक है। अब जानकारी हो जाने के बाद आप तब भी गाना सुन के नहीं बजा पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी जो पोजीशंस हैं वो रिकॉर्डेड नहीं है, वो आप देख देख के बजा पाएंगे। आपके सामने जब नोटेशन रहेगा, गाने का नोटेशन रहेगा, लिरिक्स दिया रहेगा, ऊपर नोटेशन दिया रहेगा, जैसे तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे के ऊपर लिखा रहेगा सा ग रे म, तब आप देख लेंगे सा ग रे म, आप यहाँ पे सा इस तरह से आप बजाएंगे, ठीक है। तो आप देख देख के बजा पाएंगे, लेकिन सुन के आप गाने को नहीं बजा पाएंगे। कब बजा पाएंगे? जब आप कुछ लेसन्स प्रैक्टिस करेंगे। कौन से लेसन्स? मिडिल ऑक्टेव में सरगम आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, लोअर ऑक्टेव में हो जाएगा, हायर ऑक्टेव में, ठीक है, कुछ लेसन्स। फिर अलंकार हैं जो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, जैसे आप टाइपराइटर पर जब प्रैक्टिस करते हैं या फिर कंप्यूटर कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करते करते आपको हर एक अक्षर की जानकारी हो जाती है, पोजीशन की जानकारी हो जाती है, इन अलंकार से, इन लेसन से आपको ये 24 जो होल्स हैं, 24 होल्स के माउथ ऑर्गन में 24 होल्स, 10 होल के माउथ ऑर्गन में 10 होल्स, 12 होल्स के माउथ ऑर्गन में 12 होल्स, जब इन होल्स के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी, इनकी आवाज़ आपके ब्रेन में रिकॉर्डेड हो जाएगी, तब आप कोई भी गाना सुन के बस आप आराम से बजा पाएंगे। जिस तरह से आप कोई भी सेंटेंस सुन के कीबोर्ड पे, कंप्यूटर कीबोर्ड पे आप टाइप कर लेते हैं, आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कीबोर्ड की तरफ, उसी तरफ आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ना माउथ ऑर्गन की तरफ देखने की ज़रूरत है, ना कोई नोटेशन देखने की तरफ ज़रूरत है। अपने आप कोई गाना आएगा तो अपने आप आपका जो होंठ है या माउथ ऑर्गन है अपने आप उस जगह चले जाएगा जहाँ पे वह धुन निकलेगी, जहाँ पे वह ट्यून निकलेगी। जिस तरह से आपको कंप्यूटर कीबोर्ड पे अपने आप आपके दिमाग में जब वो अक्षर आता है तो अपने आप आपकी उंगलियां उधर चली जाती है, आपको देखना नहीं पड़ता है, अपने आप आपको ब्रेन, आपकी ब्रेन उंगली को उस तरफ ले जाती है जहाँ से वह वर्ड बनेगा, जहाँ से वह सेंटेंस निकलेगा, ठीक है। उसी तरह से जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे अलंकार, लेसन्स प्रैक्टिस कर लेंगे, सरगम प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी होल्स के बारे में, तब आप यू कैन प्ले एनी सॉन्ग जस्ट बाई ईयर लिसनिंग टू दैट सॉन्ग, ठीक है। ये जब तक नहीं होगा तब तक आप फ्रेंड्स कोई भी गाना आप बिना सुने नहीं बजा पाएंगे, तब तक आपको नोटेशन देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। गाने को अगर सुन के आपको बजाना है तो पहले आपको क्या करना है, आपको जो बेसिक्स लेसन्स हैं वह बार बार प्रैक्टिस करके ये होल्स के बारे में जानकारी ले लेनी है, दिमाग में रिकॉर्डेड कर लेनी है, साउंड हर एक होल से कौन सी साउंड निकलेगी फूकने पर, खींचने पर, ये कंप्लीट आपके दिमाग में रिकॉर्डेड होना चाहिए, और ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगा। जैसे आप जब प्रैक्टिस करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड पे, अपने आप रिकॉर्डेड हो जाता है, आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस प्रैक्टिस करते जाना है और ये ऑटोमेटिकली ब्रेन में रिकॉर्डेड होते रहता है। उसी तरह से आपका माउथ ऑर्गन पे भी बस वही फंडा है, यही चीज़ है काम करेगी, और आप कुछ दिन बाद माउथ ऑर्गन कोई भी गाना सुन के बजा लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उत्तर दूंगा, ठीक है। बाय बाय।